सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसके सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल उत्तरी मिस्र के तटीय नगर अलेक्जेंड्रिया में एक अपार्टमेंट की खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को काले ग्रेनाइट का एक रहस्य से भरा ताबूत मिला है, जिसके संबंध में यह बताया जा रहा है कि यह लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है एवं इसका वजन लगभग 30 टन है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इसका संबंध टेलोमाइक काल से है। इस काल का प्रारंभ सिकंदर की मृत्यु संग हुआ था, जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया का निर्माण करवाया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ताबूत के पास एक सफ़ेद पत्थर की बनी मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिससे पुरातत्व विभाग के मध्य ये भी चर्चा है कि यह ताबूत सिकंदर की खोई हुई कब्र तो नहीं। इसके संबंध में मुस्तफा वाजिर ने जानकारी दी कि हमें ताबूत में 3 लोगों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिसे देख लगता है कि यह जरूर किसी बड़े परिवार का ताबूत है। वाजिर ने आगे कहा कि ताबूत के भीतर इमारत के सीवर का पानी भर गया था, जिसे निकाला जा रहा है। We'll be right back.